सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। आज के समय में आँखों को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यानी कि बचपन से, बच्चे अब तो पैदा होने के 6 महीने साल भर बाद से ही फ़ोन देखना स्टार्ट हो जाता है उनका। फ़ोन देखते देखते ही पूरी उम्र यानी कि टीवी, फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर यानी कि गैजेट्स के आसपास ही लाइफ हो जाती है। और ऐसे में आँखों की केयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज आँखों की प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी सभी को, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है। तो आज हम सभी को ज़्यादा नहीं, बहुत सारे तरीके हैं वो हमने दूसरे एपिसोड्स में बताए हैं, पर आज सिर्फ फूड्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से फूड्स हैं उनको अपनी नियमित दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए, यानी कि इनमें से कोई एक चीज़ आपको हर रोज जरूर खानी चाहिए अगर आपको पूरे जीवन सही रहना है, स्वस्थ रहना है और अपनी आँखों को भी स्वस्थ रखना है तो। क्योंकि इन खाद्य पदार्थों को खाने से आँखें तो स्वस्थ होती हैं, इसके साथ साथ इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपकी बॉडी को मिल जाते हैं। लेकिन हम आज इस एपिसोड में खास बात कर रहे हैं आँखों के संबंध में। आइए जानते हैं कि कौन कौन से फूड्स हैं जिनमें से एक का सेवन हर रोज आपको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये भी बता रहे हैं। सबसे पहले तो गाजर का सेवन, जी हाँ, आँखों के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, बी और सी पाया जाता है। इससे रेगुलर रूप से अगर आप खाते हैं या इसका जूस पीते हैं तो आँखों की रोशनी आपकी बढ़ती है। आँखों की प्रॉब्लम हो गई है तब तो डेफिनेटली आप बिल्कुल नियमित रूप से हर रोज़ ज़रूर खाइए, नहीं भी प्रॉब्लम है तो भी आप इसका सेवन ज़रूर करें, खास करके इसका मौसम होता है तब तो बिल्कुल करें। अच्छा, जब ये नहीं मिल पा रहा हो तो आप देसी घी का सेवन कीजिए। कनपट्टी पर देसी घी हल्के हाथ से रोजाना 5 से 10 मिनट लगा करके मसाज कीजिए, इससे भी आँखों की रोशनी बढ़ती है। यानी कि देसी घी का सेवन भी कीजिए और कनपट्टी पर मालिश कीजिए, इससे आँखों की रोशनी अच्छी होती है। अच्छा, ये अगर उपलब्ध न हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉस्टली लग सकता है, तो उनके लिए सरसों का तेल भी बेस्ट है। रेगुलर रूप से रात को सोने से पहले पैरों की तलों पर आप सरसों का तेल लगाइए और इससे मालिश कीजिए, आपकी आँखों की रोशनी बेहतर रहेगी। पैर के अंगूठे पर नहाने जाने से पहले सरसों का तेल लगा दीजिए, ये भी आँखों की रोशनी के लिए बेहतर होता है। रेगुलर रात को 6 से 7 बादाम पानी में भिंगो करके रख दीजिए और सुबह ही से छिलके हटा करके खाइए, आपकी आँखों के लिए ये भी बेस्ट औषधि है अगर ये करते हैं तो। इसके बहुत सारे, इन सभी औषधियों के अलग अलग फायदे हैं, अगर किसी में आपको इंटरेस्ट है तो इसी चैनल पर आप सभी देख सकते हैं, क्योंकि इन सभी के बारे में इंडिविजुअली भी हमने बताया है कि कौन कौन सी बीमारियों में काम आते हैं ये और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इनके, कौन कौन से विटामिन्स मिनरल्स इनमें पाए जाते हैं। इस एपिसोड में खास आँख के लिए हम केवल फूड्स बता रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, नहीं तो समय बहुत लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके अलावा आँखों के लिए जीरे का सेवन कीजिए, जी हाँ, जीरा और मिश्री को आप बराबर मात्रा में पीस करके रख लीजिए, इसे रेगुलर रूप से 1 चम्मच घी के साथ खाइए, आपकी आंखों की रोशनी बेहतर रहेगी। या फिर सौंफ का सेवन कर लीजिए, 1 चम्मच सौंफ और 2 बादाम, साथ ही साथ 1/2 चम्मच मिश्री मिला लीजिए इसमें और रेगुलर रात को सोने से पहले 1 ग्लास दूध में डाल लीजिए, ये सबसे बेस्ट है। अगर आप पूरी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र भी बेहतर हो जाता है, पाचन तंत्र बेहतर होगा तो वैसे ही आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा और आपकी आँखों की रोशनी को बेहतर करती है, बहुत सारे फायदे हैं इसके। तो इसलिए ये जो है ये एक वन ऑफ द बेस्ट तरीकों में से है कि आप अपनी बॉडी में अगर आँखों की ही नहीं और भी बॉडी के पार्ट्स की केयर करना चाहते हैं तो ये जरूर करें। ध्यान से सुन लें, 1 चम्मच सौंफ, 2 बादाम और 1/2 चम्मच मिश्री मिला करके दूध में मिक्स कर लीजिए 1 ग्लास रात को और पी लीजिए, बेस्ट है, आपके लिए नींद भी अच्छी आएगी। इसके अलावा ग्रीन टी का सेवन कीजिए आँखों के लिए, जी हाँ, रेगुलर दिन भर में 2 या 3 कप ग्रीन टी भी अगर आप पीते हैं तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा त्रिफला का सेवन, रात को त्रिफला पानी में भिंगो करके रख दीजिए और सुबह इसके पानी से आँखों को धोइए, इससे भी आपकी आँखों को राहत मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। अच्छा, सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट एक और तरीका है कि सुबह जगने के बाद अगर कर सकें आप तो ब्रश करने से पहले, यानी कि ध्यान रखें, जगे आप निहार मुँह ही, न कुल्ला करना है न पानी पीना है। सबसे पहले जो मुख का लार होता है, सलाइवा होता है सुबह सुबह का, उसको अंजन की तरह यानी कि काजल की तरह आँखों में लगा लीजिए, सुरमे की तरह, फिर देखिए
आपके आँखों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये कमाल की औषधि है। आप सलाइवा के भी उपयोग को जानना चाहते हैं कि लार कितना उपयोगी है हमारे जीवन में और हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो आप इसी चैनल पर दूसरे वीडियोज में देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी ये जानकारी, आप सभी अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। आपका कुछ नहीं लगता है, कुछ सेकंड्स लगते हैं, पर हमें इंस्पिरेशन जरूर मिल जाती है कि आपके लिए और अच्छी जानकारी लेकर के आएं। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई भी सेहत संबंधी सवाल हैं तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियोज जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।